नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फरुखाबाद में गांधी जयंती के अवसर पर बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत व कार्यकर्ताओं ने पॉलीथीन का प्रयोग न करने के लिए निकाली जागरूकता रैली। रैली फरुखाबाद गुड़गावन देवी मंदिर से आवास विकास तक पैदल यात्रा कर निकाली गई। पैदल यात्रा में बीजेपी सांसद व युवा नेता राहुल राजपूत ने जगह जगह पर सफाई की। फरुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए अपने घरों में शौचालय का उपयोग करूंगा। अपने मोहल्लों गांव के अंतर्गत स्थित समुदाय के स्थलों पर निर्मित शौचालयों को साफ रखने के लिए मदद करूंगा। मोहल्ले वाले गांव के सार्वजनिक स्थलों हाट बाजारों रेलवे वाले बस स्टेशनों तालाबों आदि की साफ सफाई गांधी 150 जयंती के अवसर पर गांधी संकल्प यात्रा पूरे भारतवर्ष में पार्टी के सांसद विधायक पार्टी के जिला अध्यक्ष और पार्टी के सभी पदाधिकारी आज यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज के दिन फरुखाबाद जनपद में फरुखाबाद विधानसभा में ये यात्रा शुरू हुई है और ये यात्रा आज कम से कम 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर पद यात्रा हम लोग करेंगे। जहां पर भी प्लास्टिक पॉलीथीन मिलेगी उसको इकट्ठा करेंगे और गांधी जी की टाउन हॉल प्रोग्राम पर माल्यार्पण करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें और लोग दूसरों को भी उपयोग करने से रोकें, जिससे प्लास्टिक के सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरे देश में जल जंगल और जमीन दूषित हो रही है। हमारे जो आवारा जो जानवर है वो भी प्लास्टिक खा के वो मर रहे हैं। जब उनका पोस्टमार्टम किया जाता है 10 केजी से लेकर 50-50 केजी तक उनके पेट के अंदर से प्लास्टिक निकलती है। हमारे जो भी नाले हैं नाली हैं या हमारे तालाब हैं नदियां हैं वहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक से वो भरी पड़ी हुई है, फटी पड़ी हुई है, तो हम सिंगल यूज प्लास्टिक से उन्हें रोकेंगे। हमारे ऐसी तरह से हमारे जो खेत हैं हमारे जंगल हैं तो वहाँ पर भी प्लास्टिक जैसी की तैसी 100 साल तक जैसी की तैसी रखी रहती है, वो नष्ट नहीं होती है। आगे आने वाले समय में हमारे जंगल जमीन और जल कैसे साफ सुथरा रहे, प्लास्टिक से मुक्त रहे, भारत प्लास्टिक मुक्त हो, इसके लिए आज से गांधी जयंती के 150वीं जयंती पर हम लोग गांधी संकल्प यात्रा के रूप में निकाल रहे हैं। लोगों को संदेश दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और प्लास्टिक को बीन बीन के एक जगह उसे रखेंगे, इकट्ठा करके बोरियों भर के उसे रखेंगे जिससे इसका उपयोग होगा। भारत बचेगी, भारत बचेगी, भारत बचेगी। कब तक चलेगा कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम है ये? 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का कार्यक्रम। एक लोकसभा में 15 दिन होना है, एक विधानसभा में 3 दिन कार्यक्रम रहेगा। उसका पूरा कार्यक्रम बन गया है और जिस विधानसभा में कार्यक्रम रहेगा तो
कंटिन्यू 3 दिन रहेगा, उसके बाद अगली विधानसभा में, उसके बाद अगली विधानसभा में, इस तरह से ये 31 अक्टूबर को समाप्त होगा। और इसका संदेश ये है कि हम स्वच्छता पे, प्लास्टिक पे, वृक्षों की रक्षा, उनको वृक्ष लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करें, इसके लिए ये पदयात्रा है जनता से आह्वान करने के लिए कि हम सब लोग इसमें सहयोग करें। ये हमारा काम है, ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है। ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री देना चाहते हैं।